हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूँ सुभाष पुद्दार। ये वीडियो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पर है। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में जो इसी पर लाया गया था इकोनॉमिक सर्वे पर, तो उसमें कुल 13 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स के हाइलाइट्स पर चर्चा की गई थी। आइए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 के हाइलाइट्स। ये है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 चैप्टर वाइज हाइलाइट्स, और ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में क्या है, इंटरप्राइजेस सेक्टर्स यानी प्रतिष्ठान क्षेत्र यानी उद्योग जगत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार में, देखिए बिहार में औद्योगिक विकास फिलहाल के वर्षों में कैसा रहा है, प्रॉमिसिंग रहा है। तो ये पॉइंट याद कर ले, ये सेक्टर अभी फ्लोरिश कर रहा है, पूरी तरह से हुआ नहीं है, और इसलिए ये शब्द याद रखे, प्रॉमिसिंग। दूसरा है क्या कि राज्य सरकार ने बिहार में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत उपायों को अंगीकार किया है, अडॉप्ट किया है, और डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया है, समर्पित संस्थानों को। ये बात तो सही है, पिछले लगभग 2 दशक में ऐसा हुआ है बिहार में कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ढेर सारे पॉलिसी अपनाए गए हैं, अंगीकार किए गए हैं, और उससे रिलेटेड संस्थानों को भी स्थापित किया गया है। ये बात सही है। और अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया, इसके कारण क्या हुआ, इन पहलों के कारण वर्ष 2017 से 21 तक बिहार ने औद्योगिक निवेश के लिए 54,761 करोड़ रुपया का 1,918 प्रस्तावों को रिसीव किया है, प्राप्त किया है। तो ये 17 से 21 यानी कि पिछले 5 वर्ष में 54,761 करोड़ रुपया का निवेश उद्योग जगत के लिए बिहार में उसका प्रस्ताव आया है, कुल मिला के 1,918 प्रस्ताव आया है 5 साल में। ये अच्छी बात है। अब देखिए कि बिहार में कितने ऐसे उद्योग हैं जो कि निवेशकों को आकर्षित करते हैं। ये 3 सबसे आकर्षक उद्योग हैं, जिसमें है इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग, अक्षय ऊर्जा। तो अब आइए इथेनॉल सेक्टर में, इथेनॉल सेक्टर का क्या हाल है ये देखिए। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र ने 32,454 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 159 इकाइयों के लिए फर्स्ट फेज क्लियरेंस प्राप्त कर लिए है। ये इथेनॉल सेक्टर का है अचीवमेंट कि 159 यूनिट्स के लिए फर्स्ट फेज का जो क्लियरेंस है ऑफिस के द्वारा वो प्राप्त हो चुका है दिसंबर 2021 तक, और इसका जो राशि है 32,454 करोड़ रुपये की है, इतना का निवेश। तो ये अच्छा संकेत है। अब देखिए इससे रिलेटेड इसको प्रमोशन करने के लिए, इसके प्रोडक्शन को प्रमोशन करने के लिए नीति भी बनाई गई 2021 में। ये नीति है इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। तो इसमें क्या किया जाता है, इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है कि और अधिक हो, और इससे संबंधित ही राज्य सरकार ने इसको फॉर्मुलेट किया है, इस पॉलिसी को ईपीपीपी 2021। ये हो गया। अब देखिए एक और नीति है जो आपको याद रखना चाहिए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। ये कुछ नया टाइप का पॉलिसी है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी है। तो ये ऐसा इस तरह की पॉलिसी क्यों लाई गई, ये देखिए बिहार में मेडिकल उद्देश्यों के लिए, मेडिकल उद्देश्यों हेतु ऑक्सीजन के उत्पादन को त्वरित करने के लिए इस नीति को एडॉप्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। ऑक्सीजन का उत्पादन को बढ़ाने के लिए
ये ऑक्सीजन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाया गया है। जैसा कि आप इधर देखे होंगे, कोविड के मद्देनज़र ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो गई थी चारों तरफ, तो उस लिहाज से इस तरह का पॉलिसी यहाँ लाया गया है बिहार में। अब आइए चैप्टर फाइव में। चैप्टर फाइव में है क्या कि श्रम रोजगार एवं कुशलता, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। तो अपने यहाँ के पॉपुलेशन का क्या फीचर है, क्या विशेषता है वो देखिए। बिहार का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है यानी कार्यशील आबादी जो है, वो उसका साइज बड़ा है, लार्ज है। और इस साइज में से अधिकांश लोग जो है कृषि सहित अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, इंगेज है इनफॉर्मल सेक्टर में। ये बिहार का फीचर है यहाँ की आबादी का कि वर्किंग एज पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, लेकिन ये इनमें से अधिकांश इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज है। और राज्य सरकार का प्रयास क्या है, एफर्ट क्या है गवर्नमेंट का, तो राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था के लीडिंग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने के लिए, लीडिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को सृजित करने के लिए या जनरेट करने के लिए, कामगारों के सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, लॉन्च किया है उसको। ये बात सही है। और ऐसी योजनाओं के बेनिफिशियरी कौन है, लाभुक ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं, चाइल्ड लेबर है और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन लोगों को लाभुक तय किया गया है। तो ये प्रयास है सरकार का। अब देखिए कि एक रूल है 2015 का, उसके अंतर्गत इन कामगारों को लाभ दिया जाता है। देखिए ये क्या है, बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 2015। ये रूल का नाम है जो बिल्डिंग या दूसरे तरह के निर्माण कार्यों से जुड़े हुए वर्कर्स के लिए है कि उसका एम्प्लॉयमेंट का क्या है, विनियमन रेगुलेशन क्या है और सेवा की शर्तें क्या है, इस रूल में दिखाया गया है। तो देखिए ये डेटा है पिछले 5 वर्षों का, 2016-17 से 2020-21 तक, पिछले 5 वर्षों तक में इस रूल के अंतर्गत 14.28 लाख वर्कर्स को क्यूमुलेटिवली रजिस्टर्ड किया गया है, संचयी रूप से पंजीकृत किया गया है 14.28 लाख वर्कर्स को, कामगारों को, इस रूल के तहत, 2015 रूल के तहत। तो इसमें फाइनेंशियल एड कितना मिला है, फाइनेंशियल एड वित्तीय मदद जो होता है, ये 2020-21 में राज्य सरकार ने 11.10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 538 करोड़ रुपए का वित्तीय मदद प्रदान किया है। 2020-21 का डेटा है कि 11 लाख से अधिक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 538 करोड़ रुपए का वित्तीय मदद प्रदान किया है। तो अब आइए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या कहा गया है ये सर्वे में। विभिन्न आयोगों के माध्यम से सरकार ने पब्लिक सेक्टर्स में रोजगार के मौके सृजित किए हैं। विभिन्न आयोगों के माध्यम से पब्लिक सेक्टर्स में रोजगार के मौके सृजित किए, ये तो सही है कि इधर थोड़ा ध्यान दिया गया है। इसका एग्जाम्पल में क्या है कि ये जो बिहार लोक सेवा आयोग है, वर्ष 2020-21 में बीपीएससी ने 4586 रिक्तियों का विज्ञापन निकाला, जो पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक था। इसके अलावे भी और जो कमीशन है, जैसे कि पुलिस विभाग का कमीशन है या फिर ये BSSC है, ये सब है, इसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट को एडवर्टाइज किया जाता है, निकाला जाता है रिक्तियों को। तो इस तरह का प्रयास है। तो इस तरह से आप आज के वीडियो में दो चैप्टर्स का हाइलाइट्स लिए, और फिर कमिंग वीडियो में और भी रेस्ट चैप्टर्स का हाइलाइट दिया जाएगा। तब तक आप इसका अध्ययन करें।
और जो कुछ नोट करने लायक है वो नोट करें, ये परीक्षा में काम आएगा, इसको इग्नोर नहीं करें। थैंक यू वेरी मच।